हर व्यक्ति अपने घर को व्यवस्थित तरीके से रखता है, अच्छी तरह से साफ सफाई करना, हर सामान को उसके निर्धारित की गई जगह पर रखना दिनचर्या का हिस्सा होता है। घर साफ रखना और सारी चीज़ें व्यवस्थित रखने के बाद भी यदि घर में परेशानियां आ रही हैं, लगातार धन की हानि हो रही है, तो ज़रूरत है वास्तुशास्त्र के हिसाब से अपने घर के सामान को रखने की, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सब ठीक होने के बाद भी समस्याएँ बनी रहती है। तो यदि ऐसा है तो झाड़ू के विषय में, अगर आपको भी घर में एक ऐसी जगह पर झाड़ू रखी है जहाँ नहीं रखना तो वो आपकी कंगाली का कारण बन सकती है। इसलिए घर में झाड़ू कहाँ रखनी चाहिए इसकी एक सही जगह होती है वास्तुशास्त्र के हिसाब से, यानी बिना झाड़ू के सफाई संभव ही नहीं। फिर चाहे बात घर की हो, ऑफिस की हो, दुकान की, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में झाड़ू रखने की सही दिशा पश्चिम मानी गई है। दक्षिण पश्चिम दिशा भी इसके लिए सही मानी जाती है। मान्यता है इन दोनों दिशाओं में झाड़ू रखने से नेगेटिव एनर्जी कमजोर होती है। इसका लिए एक तो झाड़ू को छिपा कर रखें, वास्तु के अनुसार झाड़ू हमेशा ऐसी जगह पर रखें जहां लोगों का ध्यान ही ना जाए। साथ ही ध्यान रखें कि झाड़ू कभी भी बेडरूम में ना रखें। इसके अलावा अगर आपको सपने में झाड़ू दिखी है तो खुद को सौभाग्यशाली समझे, क्योंकि इसे शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू सुख समृद्धि लाती है। सपने में झाड़ू देखने से धन लाभ का योग बनता है। उत्तर पूर्व दिशा में न रखें, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी झाड़ू को उत्तर पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में झाड़ू रखने से घर में धन नहीं आता। इसलिए पश्चिम या दक्षिण दिशा में झाड़ू को रखें। शनिवार को झाड़ू को बदलना चाहिए। मान्यता है कि जब भी आपको झाड़ू बदलनी हो तो शनिवार के दिन बदलें। पुराने झाड़ू निकाल कर नए झाड़ू शनिवार के दिन लेनी चाहिए। झाड़ू पैर के नीचे न रखें। वास्तुशास्त्र में बताया जाता है कि झाड़ू को कभी भी पैर के नीचे नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज होती है। किचन में भी झाड़ू को न रखें, क्योंकि किचन में झाड़ू रखना अच्छा नहीं होता। सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती, वहीं सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना शुभ नहीं माना जाता। इसलिए एक झाड़ू आपको मालामाल कर देगा, लेकिन उसको अच्छे और घर में व्यवस्थित तरीके से रखने से। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, तो D5 हिंदी को अवश्य सब्सक्राइब करें।